हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे पार्शियली डेरिवेटिव। पार्शियली डेरिवेटिव होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्शियली डेरिवेटिव में होता है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हैं किसी गिवन फंक्शन में, तो हमें उसमें डेरिवेशन एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा, एक बार विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक बार विद रिस्पेक्ट टू जेड। और स्टूडेंट्स, जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेशन करते हैं तो उस केस में वाई और जेड को कांस्टेंट मानते हैं, जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं उस केस में हम एक्स और जेड को कांस्टेंट मानते हैं। सिमिलरली जेड में हमारे एक्स और वाई कांस्टेंट होंगे। चलो स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम इसको। सबसे पहले फाइंड द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्शली डेरीवेटिव ऑफ जेड इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री ए एक्स वाई। फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव क्या है? तो फर्स्ट तो स्टूडेंट्स यही होता है जो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। सेकेंड जो डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव का जो आंसर है उसको अगेन डेरिवेटिव करने को हम बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। तो गिवन में हमारे पास जो जेड है वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री ए एक्स वाई, इक्वेशन वन मान लिया हमने। अब स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो ही वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो एक बार हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेशन करेंगे, एक बार विद रिस्पेक्ट टू वाई। चलो करते हैं। पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा आया डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू में एक्स क्यूब का डेरिवेशन करेंगे तो पावर नीचे आएगी यानी थ्री एक्स स्क्वायर। वाई का हो जाएगा जीरो क्योंकि कॉन्स्टेंट का डेरिवेशन जीरो होता है, और थ्री ए एक्स वाई का हो जाएगा हमारा थ्री ए वाई। ए क्वेश्चन होगी टू, क्योंकि हमें सेकंड पार्शियली ऑर्डर भी चाहिए तो हम इसको अगेन डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जिसको लिखने का तरीका होता है डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे हमारा टू पावर नीचे आएगा तो ये हमारा हो जाएगा सिक्स एक्स, और यहाँ पे ये एक तरीके से कॉन्स्टेंट वैल्यू हो गई क्योंकि यहाँ पे एक्स टर्म है नहीं और ए और वाई दोनों हमारे कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेशन जीरो होता है, तो हमारा जीरो हो गया, तो हमारा आंसर आया सिक्स एक्स। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई भी, तो हमने करा अगेन पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में अगर हम करते हैं इसका, क्योंकि ये एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ है तो वाई के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, तो हमारा आएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन में, क्योंकि हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पे, तो पहले डेल वाई आएगा और बाद में जो पहले वाला है तो वो डेल एक्स बाद में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स का जो टर्म है वो कांस्टेंट होता है, तो इसका जीरो हो जाएगा डेरिवेशन और थ्री ए वाई का हो जाएगा माइनस थ्री ए। अब वाई का तो हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट्स, हम करेंगे इक्वेशन वन को विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमने लिया पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारा आएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्स का टर्म कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया, और वाई क्यूब का हो जाएगा हमारा थ्री वाई स्क्वायर माइनस में थ्री ए एक्स का हो जाएगा थ्री ए एक्स, इक्वेशन नंबर थ्री मान ली। क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर भी चाहिए तो हमने इसका अगेन डेरिवेशन करेंगे, तो अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन थ्री विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारा आएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि हमारा इसका डायरेक्शन करना अगेन, तो यहाँ पे हमारा इन पावर और नीचे आएगी तो हमारा जगह सिक्स वाई, और क्योंकि यहाँ पे हमारा वाई का टर्म नहीं है और ए एक्स दोनों कांस्टेंट है तो इनका हो जाएगा जीरो, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन थ्री है यहाँ पे हमारे पास वाई और एक्स है, तो हमें यहाँ पे एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा, तो हमने इक्वेशन थ्री का अगेन डायरेक्शन करेंगे तो अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थ्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं इसलिए अपॉन में हम पहले एक्स लिखेंगे अगेन फिर वाई, तो हमारा हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, क्योंकि यहाँ पे हमारा वाई का टर्म कांस्टेंट है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये जीरो हो जाएगा, और माइनस थ्री ए एक्स का हो जाएगा हमारा माइनस थ्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप ऑब्जर्व करोगे, वी ऑब्जर्व डेट कि जेड आपका डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू है डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई के, यानी कि आपका ये वाला आंसर और ये वाला इक्वेशन आपका सेम है, यानी आप किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो एक्स या फिर वाई, तो आपका जो आंसर होगा वो सेम आएगा। ओके, थैंक यू।